जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, केवल 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट 5 वोकैब। ये पांचों वोकैब वो वोकैब हैं जो आपके सभी एग्जाम्स में कॉन्टिन्यूसली पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम आप देखते होंगे, कोई भी एग्जाम देते होंगे, लाइक बैंकिंग, SSC, HSSC एंड कोई भी एग्जाम आपका है, तो सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ 5 वोकैब मतलब जो आपके एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, उनको वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप ही देखना, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये वोकैब मैक्सिमम एग्जाम्स में मिलते हैं। देखो, सबसे पहली वोकैब जो हम लोगों के पास है वो है बेलिकोस। बेलिकोस, बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ालू। इसको याद कैसे किया जाए, BELLI क्या बन गया, बिल्ली। इसको याद किया जा सकता है, बिल्ली। उसके बाद गिवन है कोस, तो कोस बोल तो ग्लूकोस, कोस का मतलब हो गया ग्लूकोस हो गया। नालायको, ध्यान से पढ़ लो आप लोग। बिल्ली ग्लूकोस पी के कैसी बन गई है, झगड़ालू बन गई है। बिल्ली ग्लूकोस पी के झगड़ालू बन गई है, याद हो सकता है, एक अच्छा लॉजिक है। तो इसका जो मीनिंग हुआ, वन वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब जो लड़ाई का क्या हो, शौकीन हो, जिसको बस लड़ाई से मतलब हो, झगड़ालू जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड थिंग जो यहां से हमें सीखने को मिली, बेटे यहां पे एक वर्ब है फॉन्ड। फॉन्ड के साथ में आप लोग हमेशा ऑफ को लगाओगे, ये बिल्कुल फिक्स है। फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है, जैसे आप लोग जानते हो अवेल के बाद भी हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ को लगाते हैं, है ना। लॉस के बाद भी क्या लगाएंगे, ऑफ को लगाएंगे। तो ये सभी फिक्स होते हैं। जैसे वर्ब होती है पोजेस, तो पोजेस के बाद भी हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ को लगाते हैं। उसके बाद और कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे कि डिप्राइव एक वर्ब होती है, डिप्राइव, या एक वर्ब होती है बिरेफ्ट होती है। बेटा आप इनको याद कीजिएगा, ये मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं, इनके बाद भी हम लोग ऑफ को लेते हैं। उसके बाद एक्यूज एक वर्ब होती है, एक्यूज के साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, ऑफ को लगाएंगे। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट होता है दोषी, तो कॉन्विक्ट के साथ भी ऑफ का यूज होता है। उसके बाद होता है एक्विट होता है, एक्विट के बाद भी हम लोग क्या लगाएंगे, ऑफ को लगाएंगे। ये आप लोग याद कर लो, ये कुछ पढ़ाने का अपना एक लेवल होता है। यदि आप लोगों को ये बिल्कुल फिक्स याद हो जाते हैं, ये वो प्रेपोजिशन है जो मैक्सिमम सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की ओर, बैंकक्रप्ट, है ना। बैंकक्रप्ट यानी कि बैंक क्या हो गया, रफ्ट हो गया, मतलब डूब गया बिल्कुल। तो इसको याद किया जा सकता है, इसका मीनिंग होगा दिवालिया, मतलब जो अपना डेब्ट, जो उन्होंने पैसा लिया था जो ना चुका पाए, वो आपका क्या हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, ठीक है। यहां से हो जाएगा वन हु इज अनेबल, हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब जो अपना डेब्ट ना पे कर पाए वो होता है आपका बैंकक्रप्ट होता है। शायद आप सभी को समझ आ गया होगा कि बैंकक्रप्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसके बाद गिवन है एलिमनी। एलिमनी का मतलब क्या होता है, एलिमनी का मतलब होता है अलाउंस, अलाउंस पेड किसको, टू वाइफ, कब, ऑन लीगल सेपरेशन, मतलब जब कहते ना कि पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और बातें पहुंच जाए तलाक तक, तो तलाक के समय लड़की वालों को या लड़की को या मींस उसकी वाइफ को क्या दिया जाता है, कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, कुछ पैसा, कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है एलिमनी बोला जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि एलिमनी का मतलब क्या है, तो आप कोशिश कीजिएगा जवाब देने की कि एलिमनी क्या होता है। एलिमनी होता है बच्चे अलाउंस पेड टू वाइफ, अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन, अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, ठीक है। मतलब तलाक के समय जब लड़की वालों को या लड़की को मीन्स वाइफ को क्या दिया जाए, कुछ अलाउंसेस दिए जाए, उसे क्या बोलते हैं, एलिमनी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। देखो
मेनिया का मतलब क्या होता है? मेनिया का मतलब होता है संकी, पागलपन, और क्लेप्टो मतलब जो चीजों को चुराने का जिसको पागलपन हो गया हो, चीजों को चुराने का क्या हो गया हो, पागलपन हो गया हो, उसे बोला जाता है क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है क्लेप्टोमेनिया। तो एक एक बच्चा ध्यान से इसे बोल सकते हैं एन एबनॉर्मल, एन एबनॉर्मल डिजायर, एन एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील, मतलब कुछ चीजें स्टील मतलब चुराना, ये आप देख सकते हो। मतलब कहते ना यार, ये सनकी हो चुका है, ये बिल्कुल पागल हो चुका है किसी चीज चुराने का, किन्हीं चीजों को चुराने का। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है वो है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है, मतलब कहते ना कि रीति रिवाजों को तोड़ने वाला। देखो यहां पे हो जाएगा मूर्ति पूजा जो होती है, मूर्तियों को तोड़ने वाला। वन हु इज, वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेज, इमेज को तोड़ने वाला होता है आइकोनोक्लास्ट होता है। इमेज को तोड़ने वाला क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट होता है। इस चीज को ध्यान में रखना भाई, इमेज को तोड़ने वाला या रीति रिवाजों को तोड़ने वाला क्या हो जाता है? आइकोनोक्लास्ट हो जाता है। जो रीति रिवाजों को तोड़े या इमेज को तोड़ो तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है, वो हो जाएगा आइकोनोक्लास्ट। तो ये थी आज की पांच वो कैब जो मैक्सिमम एग्जाम में मैक्सिमम जगह पूछी जाती हैं। मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा कि ये चीजें एग्जाम में हमेशा ही आती हैं। ओके चलो, तो ये थी पांचों वो कैब। सबसे पहले वो कैब हम लोगों ने देखी यहां पे, सबसे पहले जो वो कैब देखी है वो है आपकी, सबसे पहले हम लोगों ने देखा बेलिकोस, जिसका मतलब है फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने देखा है कि बैंकक्रप्ट, और बैंकक्रप्ट का मतलब समझ गए होगे जो दिवालिया होता है। देन थर्ड वन इज एलिमनी, अलाउंसेस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, मतलब तलाक के समय जो पत्नी को कुछ पैसे दिए जाते हैं। क्लेप्टोमेनिया मतलब स्टील करने का क्या होता है? मेनिया होता है। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? जो चीजों को तोड़ता है, रीति रिवाजों को तोड़ता है। ठीक है, तो कैसी लगी ये पांचों वो कैब? यदि आप लोग चाहते हो कि अगेन ये पांचों ऐसे ही मतलब कुछ नई नई चीजें आपको दी जाएं, अगेन ऐसे जो मेन मेन वर्ड आपको दिए जाएं, तो आप ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा। आपके जितने ऑफलाइन कमेंट होंगे उतनी जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। यदि आप चाहते हो कि इससे भी अच्छी कुछ वोकैब हमें दी जाए या डेली क्लासेस दी जाए 5 या 10 वोकैब की, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।